15 से 17 फुट के झाड़ पैदा हो सकता है हमको, नेचुरल ऑक्सीजन, ताजा ऑक्सीजन मिल सकता है, खासतौर से नीम के, पीपल के, जो खासतौर से बीमारियों को दूर करता है। दुकानदारों के सामने उनको बोला एक बाल्टी पानी इसमें जरूर है। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुमरा के खड़ी मशीन रोड के ठीक सामने, और आपको बता दें कि मुमरा शहर में आज से कुछ साल पहले रोड बेंडिंग के नाम पर जो है दुकान मकान तोड़े गए थे, और उस वक्त जो है रोड के किनारे जितने भी झाड़ थे, जो छायादार पेड़ थे, उन्हें काट दिया गया था, और उसके बाद से मुमरा शहर में रोड के किनारे कभी भी ऐसा झाड़ लगाने का कोई भी कार्यक्रम शायद ही आयोजन किया गया हो। लेकिन अब जो है हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से कई साल बाद जो है अब विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान जो है इस तरह के गड्ढे जो है मुमरा शहर में जो खोदा गया है, उन्होंने खुदाई करवाई है, और ये पीली मिट्टी आपको दिखाएंगे, पीली मिट्टी जो है ये भी गिरवाई गई है। कल दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास जो है मुमरा शहर में करीब 500 पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, और ये कार्यक्रम गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज के हाथों से शुरू किया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से मुमरा शहर में और भी अगर हम बात करें तो पेड़ लगाने का जो है कार्यक्रम तो ये शुरू किया जा रहा है, गलियों में भी पेड़ लगाए जाएंगे, रोड के किनारे भी लगाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरह से मुमरा शहर के लोगों का ये भी कहना है कि पेड़ नहीं है मुमरा शहर में, गार्डन भी नहीं है, जो ये सबसे बड़ी समस्या है। बहरहाल अब जो है राजनीति पार्टी कहीं ना कहीं जो है ये अब सामने आई है, और जो 500 पेड़ लगाने की बात कही जा रही, लेकिन पेड़ लगाना जो है वो एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि उन पेड़ों की देखभाल करना। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कल जिस तरह से यहाँ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम जो शुरू किया जाएगा, पेड़ लगाया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से उन पेड़ों की देखरेख की जाती है, उनमें किस तरह से पानी डाला जाएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है कि पेड़ों को जिंदा रखना। बहरहाल इस पूरे मामले पर हमने विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान से बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। मुमरा कोसा के रास्ता रुंधीकरण में बहुत से झाड़ काटे गए थे, और आज लगभग 90% मुख्य रास्ते का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज भूल रहे हैं, जो है पेड़ लगाना। नेशनल इंटरनेशनल जो रिसर्च है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार आज कोविड के लिए दुनिया ऑक्सीजन के लिए तरस रही है, लेकिन इंटरनेशनल रिसर्च में एग्रीकल्चर अपना क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च ने एक तरीके से बताया है, उनके रिसर्च में कई जगहों पे यह साबित हुआ है कि कोविड जैसे महामारी में भी 10 से 15% ऑक्सीजन लेवल की जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो झाड़ के माध्यम से कहीं ना कहीं हम पैदा हो सकता है, हमको नेचुरल ऑक्सीजन, ताज़ा ऑक्सीजन मिल सकता है, और हमारे शहर को इसकी जरूरत थी। 500 झाड़ महापालिका से मच्छी और बाकी सारी चीज़ें मैं करा के लिए इंतजाम करवाया हूँ। माननीय जितेंद्र जी अवार्ड और हमारे सभी नगर को और हमारे सभी साथियों के साथ कल हम इसको सभी 500 झाड़ और एक 10 गाड़ी ट्रक मट्टी और बड़े पैमाने पे जो आदमी है, जो लेबर है, इसके साथ मिलकर कल जितेंद्र आवाज जी के हाथों से इसकी शुभारंभ की शुरुआत कल यहाँ 1 बजे की जाएगी, और उसको कोशिश करके हम 15 दिन के अंदर पूरे शहर के अंदर ये 500 झाड़ लगा देंगे। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक का लगाया जाएगा झाड़? मुमरा कौसा, मुमरा स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक, और उसके बाद गलियों के अंदर भी जहाँ लोग हमें बोलेंगे, रोड के दोनों तरफ रहेगा, और जहाँ गली में भी, गली के अंदर के जो पैरेलल रोड है, जो लोग बोलेंगे, नगर सेवक जहाँ बोलेंगे, जहाँ लोगों की मांगनी होगी वहाँ भी हम लगाएंगे, खासतौर से नीम के, पीपल के, जो खासतौर से बीमारियों को दूर करता है, और पीपल का झाड़ जो ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जहाँ मैंने 50 एक नीम के झाड़ मंगाया हूँ, ऐसे करके जहाँ लोगों की जो मांगनी रहेगी, जहाँ नगर सेवक की मांगनी रहेगी, वहाँ इंशाल्लाह ताला हम झाड़ लगाएंगे। आपके द्वारा दुकानदारों से और बिल्डिंग वालों से ये गुजारिश है, सोसाइटी वालों से, कि पानी हम मारने का काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे भी अनदेखी हो जाती है, तो आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने शहर के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए, अपने परिसर के लिए, अपने अपने
अपने देश के लिए, ये ऑक्सीजन के का माध्यम की संख्या ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है अपने शहर के लिए, आप पानी डालें, यही आपके द्वारा मेरी उनसे विनती है कि खास तौर से आप भाई इस तरह से आप कह रहे हैं पानी डालने के लिए, लेकिन ये भी देखा जाता है कि लोग अक्सर जो है झाड़ तो लगा देते हैं, कई राजनीतिक पार्टियां भी झाड़ लगा दी लेकिन बाद में उनको देख रेख नहीं हुआ, झाड़ सूख गए। एक मैं आपको बात बता देता झाड़ लगाया, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या इसकी देख रेख, मेरी बात मैं आपको बता, मेरे बात ये झाड़ के सबसे दो चीज खैर बात है, एक अभी बारिश का सीजन आने वाला है, दूसरा ये छोटे झाड़ नहीं है, 15 से 17 फुट के झाड़ जो काफी हद तक जल्दी जमीन को पकड़ लेंगे और मरेंगे नहीं। देखिए अगर हम हर चीज का खामियाजा और उस पर कोई ना कोई कमी निकालेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाता है। हम 500 झाड़ लगा रहे, इंशाल्लाह ताला 100 तो बड़े हो ही जाएंगे, इसलिए आपके द्वारा शहरवाड़ी उससे अपील है कि आप अपनी दुकान, मैं खासतौर से अपने दुकानदारों के सामने उनको बोला कि ये आपकी जिम्मेदारी है, हम कॉरपोरेशन देखेगी, हम देखेंगे, लेकिन आप भी एक हंडा एक बाल्टी पानी इसमें जरूर डालें।